दोस्तों मारुति जिप्सी, उसमें गाड़ी ओवर हीट हो रही है। तो ओवर हीट हो रही है तो उसका एक पहला इंडिकेशन तो ये है कि मीटर बोर्ड के ऊपर में जो टेम्परेचर की जो पॉइंटर है, टेम्परेचर जो रीड करने वाली पॉइंटर, वो एग्जैक्टली सेंटर से बिलो रहनी चाहिए, सेंटर के अप या सेंटर पे नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इंजन जो है वो ओवर हीट हो रहा है। अभी कभी कभी क्या होता है कि गेज के डिफ्लेक्शन में भी प्रॉब्लम है, तो भी ये चीज़ होगी। क्या हो जाएगा कि डिफ्लेक्शन में प्रॉब्लम है, कैलिब्रेटेड गेज नहीं है, या कोई प्रॉब्लम होने की वजह से वो गेज जो है वो ज़्यादा दिखा रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपको रियल में तो इंजन हीट हुआ नहीं है, रियल में इंजन हीट हुआ नहीं है, तो आपको उस केस में चेक कैसे करें कि इंजन रियल में हीट हुआ है कि नहीं। तो उसने पे आप गाड़ी का जो इंजन कुछ रनिंग के बाद हीटिंग दिखा रहा है, तो गाड़ी का इंजन स्टॉप कीजिए। स्टॉप करने के बाद उसको अगेन स्टार्ट कर लीजिए। तो स्टार्ट करने के लिए जो अगर वो कुछ हिचकिचा के इंजन अगर चालू होता है, तो समझना है कि हाँ ठीक है, हीटिंग इज देयर, हीटिंग है वहाँ पे, ठीक है जी, हीटिंग है वहाँ पे। तो क्या करना है कि अगर हीटिंग हो रही है वहाँ पे, तो उस केस में आपको इस तरह से मतलब जज कर लोगे कि भाई इंजन में स्टार्ट करता हूँ तो हिचकिचा के चालू हो रहा है, मतलब रियल हीटिंग है वहाँ पे। और गेज का अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखा रहा है, तो फिर गेज का तो डिफ्लेक्शन है, तो रियल में अगर हीटिंग नहीं है तो गाड़ी है जैसे नॉर्मल स्टार्ट लेती है वैसे स्टार्ट ले लेगी। दूसरा, एक बर्निंग की स्मेल भी आएगी, बहुत एक्सेस हीटिंग है तो पता चली जाएगा कि मेरी गाड़ी जो है वो ओवर हीट हो रही है। तो उस केस में क्या करना है, उसको नॉर्मल जो पॉइंटर जो है, पॉइंटर को सेंटर से नीचे कैसे लाया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बात है कि रेडिएटर जो है उसका जो इफिशियंट कूलिंग करना चाहिए, वो अगर इफिशियंटली वर्क नहीं कर रहा है तो सफिशियंट कूलिंग नहीं होगा, ठीक है। तो रेडिएटर जो है उसको पहले तो क्लीन होना जरूरी है, अगर नहीं है तो उसको क्लीन करवा लीजिए। दूसरा, उसमें जो कूलेंट का लेवल है, कूलेंट जो अंदर भरना है वो कूलेंट यहाँ फुल होना चाहिए। जैसे कि मैं रेडिएटर कैप ओपन करूँगा अभी नहीं, 6 मंथ के बाद या 1 साल के बाद भी मैं ओपन करता हूँ विदाउट एनी टॉपअप ऑफ कूलेंट, तो ये कूलेंट मुझे यहाँ तक भरा हुआ होना चाहिए। ये कैप निकालते हैं टाइम यहाँ तक भरा होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से लेवल डाउन जा रहा है तो वहाँ पे इवोपरेशन हो रहा है, कहाँ तो कूलेंट की क्वालिटी सही नहीं है, यहाँ तो कहाँ से माइनर लीकेज है जो आइडेंटिफाइड नहीं है, और वहीं से वो फ्यूम्स बन के वहीं से जा रहा है बाहर कूलेंट, इसकी वजह से कूलेंट टॉपअप करना पड़ रहा है। तो उस केस में आइडेंटिफाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर कहीं पे गाड़ी में ड्रॉप वाइज लीकेज है कूलेंट में, तो आइडेंटिफाइड हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि यहाँ से लीकेज है, कुछ गीला मिल गया, या गाड़ी कहीं 4-5 घंटे या 10 घंटे से पड़ी है, वहाँ नीचे फ्लोर पर पानी गिर रहा है, तो पता चल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रेडिएटर के जो वर्टिकल ट्यूब जो रहती है उसमें माइनर पंचर होता है, और माइनर पंचर होने की वजह से क्या होता है कि जब हीटिंग होती है तो ये ऑपरेट होता है, वहाँ से पता तक नहीं चलता है कि रेडिएटर की जो वर्टिकल ट्यूब है उसमें लीकेज है और कूलेंट लेवल डाउन जाता है। तो इस केस के अंदर गाड़ी हीटिंग देगी क्योंकि कूलेंट लेवल कम है। दूसरा बताऊँ कि अगर इंजन के अंदर में ऑयल जो डाला है, अब मारुति ने तो रेकमेंड किया है 20W50 ऑयल, ठीक है, 20W50 ऑयल जो है वो ज़्यादा विस्कोस है कंपेरेटिवली 5W30। अगर मैं 5W30 ऑयल इसमें यूज़ करता हूँ, एज फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, वो जो कौन सा ऑयल डालना है, विच वन इज़ बेस्ट, वो तो अपनी मतलब अपने नॉलेज पे है, अपनी चॉइस पे है, या फिर अपनी मतलब जो रहता है वो डिपेंड्स करता है। अभी मेरी बात अगर मैं करूँ तो इसमें 5W30 ऑयल में यूज़ करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर टॉपअप करता हूँ तो 5W30 यूज़ करूँगा, क्यों? क्योंकि वो जो है 20W50 के कंपेयर में कम विस्कोस है, तो कम विस्कोस है 5W30 तो फ्रिक्शन कम देगा, हीट जनरेशन कम करेगा। एक्चुअली चाहिए क्या, ऑयल का फंक्शन यही है कि एक फिल्म बनाता है, एक्ट एज ए लुब्रिकेंट एंड एक्ट एज ए कूलेंट, तो वो चीज़ जो है वो फुलफिल हो जाएगी। तो जितनी भी मॉडर्न कार्स है, मॉडर्न कार के अंदर में क्या आ रहा है कि भाई ऑयल जो है वो 5W30 आ रही है, ठीक है, तो हम भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर। एक बार तो मैंने यूज़ किया था, लेकिन उसका वीडियो वगैरह अपलोड नहीं किया है, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस कर लिया था कि ये जो 5W30 ऑयल जो है, जब मेरा इंजन गाड़ी का बैठ गया था ना, उस टाइम पे मैंने वो जो ओल्ड ऑयल डाला था वो 5W30 डाला था, और उसके ऊपर काफ़ी मैंने चलाया, करीबन 2000 किलोमीटर जैसा चलाया, तो वो हीटिंग वाली कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी। आप क्या होता है कि इंजन का जब मैंने ओवरहॉलिंग किया, तो आपको पता होगा कि ओवरहॉलिंग होने के बाद थोड़ा मतलब उसको 50-60 के स्पीड पे चला के उसको राउज करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसका परफॉर्मेंस आता है। तो लेकिन ये वाले केस के अंदर में मैंने जो यूज़ किया था, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं आइडेंटिफाइड हुआ था, ठीक है जी। तो अब इसमें ये रही ऑयल की बात, ऑयल की बात रही, तो ऑयल के अंदर में क्या रहता है कि अगर मैं 5W30 ऑयल देता हूँ तो इसमें फ्रिक्शन कम हो जाएगी, हीट डिसिपेशन भी होगा, एज वेल एज हीट तो मतलब डिसिपेट होता ही है, और लुब्रिकेटिंग फील भी जनरेट होती है, तो ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें ऑयल लेवल भी कम है तभी भी इंजन हीटिंग देगा, ठीक है। दूसरा, अगर इसका प्रॉपर टाइमिंग नहीं है तो अभी हीटिंग देगा, वो कैसे कि जो आइडियल RPM जो है इंजन का आइडियल RPM जो है वो 800 मैक्स, देखिए अभी जितने कार्स है उसमें 700 या 800 RPM रहता है, तो 700 या 800 RPM पे अगर इंजन सेट है
जिप्सी के अंदर में अगर आरपीएम मीटर नहीं है तो लगवा सकते हैं। चैनल के ऊपर में टैकोमीटर जो है मारुति रिट्स वाला, वो मैंने इक्विप्ड किया है। नो डाउट आपको वहाँ पे अगर सपोज आरपीएम कुछ ज़्यादा शो कर रहा है या कम शो कर रहा है तो आपको जजमेंट लग जाएगा कि ये मेरा जो मीटर में है इतना एरर है, या क्योंकि अभी मारुति रीड्स का जो है वो विदाउट एनी रेजिस्टेंस या कुछ लगाए बिना विदाउट कैलिब्रेशन अगर यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली कि वो रियल आरपीएम नहीं बताएगा, थोड़ा आगे पीछे बताएगा, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 100 का डिफरेंस हो सकता है, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि मैंने लगाया हुआ है। और इसमें क्या है कि ये सेंसर जो है सीएमपी सेंसर, वो दो तरह के रहते हैं, एक तीन केबल वाला जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर रहता है वो, ठीक है, उसमें भी रोटरी मेंबर तो रहता ही है, इसमें रोटरी मेंबर जो है और दो केबल है, तो दो केबल के अंदर में किस तरह से कनेक्शन करना है उसमें कुछ नहीं, तीन वायर ही कनेक्ट करनी होती है, ठीक है। तो वो 1000 रुपीज़ उसकी प्राइस है, मुर्मू से मैंने मंगवाया था और मैंने इसमें इक्विपेट किया था। और भी एक चीज़ है, एक जीपीएस मीटर आता है, ठीक है, जीपीएस मीटर, और उसको भी मतलब जीपीएस जो है वो मीटर, और एक दूसरा जो ये है कि अपना जो ओवीडीआई पोर्ट जो है, ठीक है, ओवीडीआई जो है इंजन कंट्रोल यूनिट का, तो ECU का या ECM का जो इंजन कंट्रोल यूनिट है उसके साथ जो OBDI पोर्ट मारुति जिप्सी में इक्विप्टेड है, वो पोर्ट को अगर यूज़ कर सकते हैं उसके साथ, GPS एज वेल एज OBDI 2 करके एक मीटर अवेलेबल है, तो उसमें क्या करेगा, GPS से तो स्पीड रीड तो कर ही लेगा, रेफरेंस स्पीड भी बताएगा, क्या चाहिए वो भी बता देगा, GPS से वो ट्रैक कर लेता है, ठीक है। और दूसरा जो है RPM के लिए OBDI पोर्ट जो है वो RPM शो करवाएगा, उसको RPM दिखाएगा, और ब्यूटीफुल मीटर है, बहुत अच्छा दिखता है, मतलब 6000 की प्राइस है, अमेजोन पे भी है, आप सर्च मार सकते हो, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और वो जिप्सी में लेकिन चलता है कि नहीं वो पता नहीं है, मैं मंगाऊंगा, मैं इक्विपेड करूंगा, डालूंगा तो उसका वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसके बाद आप खरीद सकते हो, क्योंकि बाकी के मॉडर्न कार के अंदर तो ये लगता है तो वो चलता है, क्योंकि वहाँ पे जो ECU है तो उसमें प्रोविज़न है कि OBDI जो है वो उसके साथ वो मतलब उसको सच कनेक्ट हो जाता है, उसको सपोर्ट कर देता है, तो वो चलता है। तो चलिए, तो ठीक हो गई RPM की बात, तो ये मैंने जो बताया दूसरा कोर्स के हायर RPM, अगर सिग्नल पे खड़े हैं आप और आपका इंजन का RPM ज़्यादा है तो गाड़ी जो है ओवरहीट होनी है, ठीक है। क्यों ओवरहीट होनी है, क्योंकि उस टाइम पे एयर नहीं लग रहा है, उसको कूलिंग नहीं मिल रही है। जिप्सी में तो बहुत अच्छी प्रोविज़न है कि जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो रेडिएटर फैन जो है, कूलिंग फैन, वो तुरंत ही उसके साथ ही स्टार्ट हो जाता है, तो वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पे आपको जब गाड़ी खड़ी है उस टाइम पे सामने से जो एयर आती है वो एयर नहीं मिल रही है, तो वो एयर नहीं मिलने की वजह से उसको जब सिग्नल पे आप खड़े हो, इंजन चालू है ट्रैफिक के अंदर में, तो जो पॉइंटर जो है वो सेंटर से अप भागने की कोशिश करेगा, वो ऊपर जाएगा तो ओवरहीटिंग देगा, ठीक है। तो दूसरा चीज़ है, जैसे RPM मैंने बताया, RPM मेजर करके 800 RPM पे इसको लेके आओ। 800 RPM पे लाने के लिए, इंजन का 800 RPM को रीड कराने के लिए भी बहुत सारे इसमें है सेटिंग्स, वो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर में कि किस तरह से इंजन RPM 800 पे लाया जाए, रफ आइडियल जो है किस तरह से सेट करना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है जी। लेकिन इस वीडियो के अंदर में क्या है, हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, किस तरह से करनी है वो बताता हूँ। पहला मैंने कूलेंट के बारे में बताया, कूलेंट लेवल के बारे में बताया, रेडिएटर जो है उसकी इफिशियंसी के ऊपर मैंने बताया कि वो क्लीनिंग होना चाहिए, सर्कुलेशन के अंदर में कहीं पे लीकेज नहीं होनी चाहिए, ये हो गई कूलिंग पार्ट। ये ऑयल के बारे में भी आपको बताया कि मोर विस्कोस लेस विस्कोस लेस ऑयल लेवल ज़्यादा मतलब जो फ्रिक्शन क्रिएट करता है इंजन के अंदर में तो हीटिंग की प्रॉब्लम आती है वो बताया, मतलब कूलेंट बताया और इंजन ऑयल बताया और RPM बताया, ये तीन चीज़ मैंने बताई यहाँ पे हीटिंग के साथ। अब दोस्तों ये हो गया, ये सारा चीज़ जो मैंने बोला है वो सभी ओके है आपका, 800 RPM भी है, रेडिएटर भी नया डाला हुआ है, कूलिंग सिस्टम भी एकदम एक्सेलेंट है, कूलेंट लेवल भी डाउन नहीं जा रहा है, मतलब लीकेज भी नहीं है, ऑयल भी जो है वो ऑयल भी प्रॉपर यूज़ कर लिया, ठीक है, ऐसा नहीं है 20W50 ऑयल डालोगे तो ओवर हीटिंग होगा, नहीं, नॉट लाइक दिस, कुछ नहीं होने वाला है, वो ऑयल भी ओके ही है, सिर्फ लेवल बराबर सही होना चाहिए। तो अभी कोई बोलते हैं कि 3.5 लीटर की क्वांटिटी मारुति जिप्सी में पड़ती है, अच्छा ठीक है 3.5 लीटर की पड़ती है, लेकिन वो छोटू वाला फिल्टर जो रहता है ना, ऑयल फिल्टर साइड में जो लगता है वो छोटा लगा दीजिए, तो होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसमें ऑयल की वो कम हो जाएगी। और 3.5 लीटर में भी क्या होता है कि हम लोग कभी कभी क्या है परफेक्ट ड्रेन करके फिर टॉप अप करते हैं, तो उस केस के अंदर में तो ऑयल अपना जो है वो एक्चुअली रिकमेंडेड 4.2 है, तो 4 लीटर फिर उसमें 500 ग्राम ऑयल टॉप अप करना पड़ेगा। लेकिन अगर छोटा फिल्टर भी है और प्रॉपर मतलब एकदम पूरा ड्रेन नहीं भी किया है और थोड़ा प्लग खोल के तुरंत जैसे टाइटिंग करके उसमें अगर ऑयल भर दिया है तो फिर क्या है कि उस केस में आपका 3.5 लीटर में हो जाएगा। मैं 3.5 लीटर ऑयल डालता हूँ, नंबर ऑफ टाइम डाला है। और रही बात कि ऑयल रिप्लेस कब करा जाए, तो मेरा जो है मैं अगर रिप्लेस करता हूँ तो 20,000 किलोमीटर तो ऐसे ही रन करता हूँ, 20,000 किलोमीटर के बाद मैं उसको ऑयल का गेज निकाल के चेक करता हूँ, उसका स्मेल क्वालिटी वगैरह देख के टॉपअप की जरूरत है तो टॉपअप करके और 2,000 किलोमीटर भी चला लेता हूँ, ठीक है। लेकिन गाड़ी मेरी रनिंग में है, डेली बाहर निकलती है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है। और दूसरी एक बात है कि अगर आप स्पीड से चल रहे हैं, 120 की स्पीड से ही चल रहे हैं, 100 की स्पीड से चल रहे हैं, तो ऑयल जल्दी रिटर्न होता है ड्यू टू द ओवर हीटिंग, ठीक है। तो उस केस में फिर 20,000 तक नहीं बैठना है, 12,000 किलोमीटर या 15,000 किलोमीटर, या फिर ऑफ रोडिंग के लिए जाते हैं, इंजन बार बार रेस हो रहा है, हायर RPM अटेंड कर रहा है, तो उस केस में फिर इंजन की जो ऑयल की जो लाइफ है वो लाइफ कम हो जाती है, ठीक है। तो ये तो कॉमन चीज़ है, इतना तो हो गया आपका, ये सब सही है, फिर भी अभी हीटिंग हो रही है, तो अब क्या करना है,
तो दोस्तों एक बात है कि आपका गाड़ी का जो एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर को ओपन कीजिएगा, साइड कीजिएगा, उसके नीचे में आईसी वाल के पास से दो टैपिंग ली गई है ना, वो मेन हेडर के साथ कनेक्टेड है और वहाँ पे एक बाईपास लाइन भी लगी हुई है। तो बाईपास लाइन जो है उसको चेक कीजिए, क्योंकि इनिशियली जब इंजन स्टार्ट होता है तो वो वहाँ से ही सर्कुलेशन होता है ना। कूलेंट सर्कुलेशन विल टेक प्लेस आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द इंजन, इनिशियली स्टार्ट ऑफ द इंजन, दैट बाईपास लाइन इज कम इन टू द पिक्चर। बट कहीं कहीं क्या होता है, जैसे कि मेरी गाड़ी में वो बाईपास लाइन निकाल के फेंक दी है, नहीं है बाईपास लाइन इसमें, तो अब क्या हो जाएगा, जो थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो तो लॉक पड़ा है, वो तो तब ओपन होगा जब टेम्परेचर 88 डिग्री अटेंड करेगा कूलेंट का। तो कूलेंट का टेम्परेचर 88 डिग्री अटेंड करने के बाद थर्मोस्टेट वाल्व तो पिक्चर में आने वाला है, तब तक क्या करने वाला है, रेडिएटर का जो वाटर है वो होल्डिंग पड़ा है, ऐसा होल्ड करके वो वॉल्यूम पड़ा है वहाँ पे, जो भी वाटर है वो ठीक है, कूलेंट है वो। अब थर्मोस्टेट वाल्व उस केस में ओपन होगा जब टेम्परेचर अटेंड होगा, तो टेम्परेचर अटेंड होने के बाद 88 डिग्री टेम्परेचर जब कूलेंट का आता है उसके बाद थर्मोस्टेट वाल्व पिक्चर में आता है, अगेन जो होल्डिंग वॉल्यूम है वो दैट रश टू द इंजन जैकेट एंड इंजन हॉट वाटर रश टू द रेडिएटर, ओके, तो रेडिएटर में वो पानी चला जाता है एंड सर्कुलेशन टेक प्लेस। तो उस टाइम पे वो पॉइंटर जो है वो सेंटर पे आ जाएगा, या सेंटर से ऊपर जाने की कोशिश भी करेगा, या सेंटर से हल्का सा बिलो रहेगा, मतलब के समवट सेंटर पे ही है। तो हीटिंग तो दे रहा है, अभी हीटिंग दे रहा है, ओवर हीटिंग है, मतलब इंजन का जो लाइफ है डेफिनेटली डिटेरियरेट होता है। वो जो हेड गास्केट है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, बहुत सारे वीडियो जो डाले हैं पीछे वाले में, उसमें हेड गास्केट जो है वो हेड गास्केट किस तरह से फटता है, ऑयल कूलेंट में कैसे जाता है, कूलेंट ऑयल में कैसे जाता है, वो मैंने बताया हुआ है, छोटे छोटे वीडियो है, ज़्यादा टाइम भी मैंने उसमें दिया नहीं है, ठीक है। अब इस केस में क्या करना है कि वो थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो आपका अभी बाईपास लाइन भी नहीं है, या चौक है, या चल नहीं रहा है, या हीटिंग दे रहा है, तो कुछ नहीं है, मैंने थर्मोस्टेट वाल इक्विपमेंट का भी वीडियो डाला हुआ है, वो थर्मोस्टेट वाल निकालने पे क्या होता है और इक्विपमेंट रहेगा तो क्या है उसके, देखो कंपनी ने कोई भी चीज़ दी है वो निकालने के लिए, बाईपास करने के लिए नहीं दी है, कोई भी सेफ्टी फीचर्स ऐड करने के लिए, इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए ही वो चीज़ होती है, इंटरलॉक्स होता है वो जो है पैसेंजर्स एज वेल एज मतलब ऑक्यूपेंसी एंड व्हीकल, वो दोनों के लिए ही बहुत सारे एक्चुएटर्स और इंटरलॉक्स डाले गए होते हैं। तो इसमें भी जो ये एक्चुएटर है थर्मोस्टेट वाल्व, वो जो है वो इंजन का जो है सेफ्टी के लिए है, क्योंकि कभी कभी क्या है कि ठंडी जगह में मॉर्निंग का जो स्टार्टिंग रहता है तो इमीडिएट उसको हीटिंग मिल जाए, इसके लिए बाईपास लाइन रहती है, बाईपास लाइन रहती है। और दूसरी बात ये कि वो थर्मोस्टेट वाल्व आपका ऑपरेट हो रहा है या वो स्टॉक है, इसके ऊपर भी आपकी हीटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक ट्रायल के पर्पज़ पे आप थर्मोस्टेट वाल्व निकाल लीजिए और फिर देखिए, अगर पॉइंटर सेंटर से बिलो रहता है तो फिर आप उसको मतलब चला सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। मैंने भी थर्मोस्टेट वाल्व लगाया था और वो काफ़ी टाइम मतलब चला, फिर चलने के बाद वो जैसे स्टॉक हुआ या मेरे हीटिंग की प्रॉब्लम आई तो मैंने वो रिमूव कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। इनिशियली जो पानी गर्म पानी चाहिए वो सफिशियंट पानी तो मिल जाता है, वो सर्कुलेशन होता है। तो अभी दूसरा एक है कि आपका गाड़ी का जो कूलेंट का वाटर पंप काम नहीं कर रहा है तो वो सर्कुलेशन नहीं करेगा, तो डेंसिटी डिफरेंस से हीटिंग होने की वजह से जो डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होता है और कूलेंट सर्कुलेट होता है, उस केस में भी पॉइंटर अप जाएगा। तो आई होप सो दोस्तों के अगर आपकी गाड़ी में हीटिंग का प्रॉब्लम है तो इतना चीज़ चेक करने पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, दैट इज एज पॉइंट माई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको वो चीज़ बेनिफिट करती है मे बी और मे नॉट बी, लेकिन ये जो मैंने वीडियो रखा है इसलिए कि बहुत सारे मतलब फोन कॉल्स आते हैं, कमेंट्स में भी पूछते हैं कि ओवर हीटिंग हो रही है, तो ओवर हीटिंग के कॉज ये है और भी बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे कि इसके व्हील ही जाम चल रहे हैं तो इंजन हायर आरपीएम ही अटेंड कर रहा है इनिशियली, अभी जैसे कि मैं सेकंड गियर डाल के हूँ करके चलते रहूँगा तो डेफिनेटली कि गाड़ी इंजन ओवर हीट होनी है, क्योंकि स्पीड तो है नहीं गाड़ी की और सेकंड गियर में हायर आरपीएम पे चलेगा इंजन, तो वो चीज़ तो होनी है, ठीक है जी। तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, आई होप सो दिस वीडियो यूजफुल टू यू, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद।